15 दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब नील के सामने फोड़ेगी अक्षरा आरोही का भांडा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर अक्षरा को ज़बरदस्ती मंजरी घर भेज देती है और अक्षरा से और अभिमन्यु से नाराज़ हो जाती है, उसके साथ उससे इलाज भी करवाने से मना कर देती है और मंजरी महिमा को अब उसका इलाज करने के लिए कहती है और महिमा को अभिमन्यु आगाह कर देता है पहले ही कि आपने ये सच बताकर आग तो लगा दी है लेकिन अब आग को भड़काने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लेकिन महिमा आवाज नहीं आती और वो फिर से भड़काती है कि अक्षरा की वजह से ही सब कुछ हो रहा है हमारे परिवारों के बीच से, हमारा अभिमन्यु पिस रहा है, हमारा अभिनु, जिसके बाद देखने को मिलता है। लेकिन मंजरी इस बात से एग्री नहीं करती है और दूसरी तरफ देखने को मिलता है अक्षरा से मनीष नाराज हो जाता है और यहाँ पर पिछले से आरोही अपना व्रत खोलते नजर आती है और देखने को मिलेगा वंश से वादा मांगती है कि पूरा परिवार उसके साथ है लेकिन मेरा साथ तो आप ही देंगे ना, जिसके बाद में वंश मजबूरी में उसको हाँ कर देता है। लेकिन आरोही के इरादे कुछ और ही हैं और ये इरादे जल्द ही अक्षरा के सामने आ जाएंगे। देखने को मिलेगा कि मनीष को अक्षरा मनाते नजर आती है क्योंकि वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है जब वो सो रही होती है और उसे अब उसके ही पापा हर्षवर्धन समझाते नजर आते हैं लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनता और उसके दिमाग में अब यहाँ पर आरोही और नील के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो दूसरी तरफ अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु नील से जाकर पूछता है तो वो कहता है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अक्षरा को पता है कि आरोही क्यों इसका इस्तेमाल करे क्योंकि नील से वो प्यार तो नहीं कर सकती क्योंकि उसके सपने तो बहुत बड़े हैं। जिसके बाद में अक्षरा उसे जान जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम ये जो नौटंकी कर रहे हो ना ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। लेकिन देखने को मिलने वाला आरोही कहती है कि तुम रोकोगी कैसे और आरोही का अटिया चेहरा अक्षरा के सामने आ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ नील का इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ प्यार नहीं कर रही और वो साफ कह देती है अक्षरा कि अब ये शादी तुम्हें बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो दूसरी तरफ अभी मैंने इस बात से अड़ जाएगा कि नील तो उससे प्यार करता है और मैं इन दोनों की शादी करवा के रहूँगा, लेकिन कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब देखना होगा अक्षरा अनिल को उसकी सच्चाई आरोही की कैसे बताते नजर आती है।